स्वागत है आपका अपने चैनल मार्कोस ट्यूटर्स में। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 2.2 में भी लेक्चर 1 में मैंने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब 2.2 के लेक्चर 2 में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन 3 जो है वो एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। ये सब आप जो देख रहे हैं ना, दो साइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी ऐसे ट्रायंगल्स दिखे तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट क्या है, फिर वो यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए पहले ये ट्रायंगल देख लो। ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री है। तो आप क्या बोल सकते हो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो मैं बोल सकता हूँ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों साइड कौन से हैं, ए बी एंड बी सी, तो मैं बोल सकता हूँ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैंने सेम ट्राइंगल यहाँ पे कॉपी कर लिया, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा एक चेंज करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा कि मैं ये एंगल को 90 से छोटा कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको 90 से छोटा किया तो क्या होगा, ये ए बी सी होगा। पहले तो ये जो साइन है ये 90 से छोटी हो गई है, देख लो यहाँ पे 90 है नहीं, रख रहा हूं यहाँ पे ऐसा, ऐसा लिख नहीं सकते, ऐसे साइन नहीं बना सकते, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने के लिए काम आने वाला है इसलिए रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैं सेम चीज बोल सकता हूँ क्या, ये वाली, ये सेम चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि 90 के सामने वाला साइड होगा तो ये सब कर सकते हैं। ये 90 है क्या, नहीं है, 90 से कम है, 90 से कम मतलब अक्यूट है, 90 से कम है, इसलिए इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ये आएगा ऐसे ही लेकिन इसमें से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली जब मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने साइन आपके लिए रखा है दिखाने के लिए कि देखो 90 से बड़ा हो गया एंगल। तो मैं ये सेम चीज लिख सकता हूं क्या, ये वाली जो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लिखी थी, नहीं मैं ऐसे लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये वाला एंगल जो है वो 90 नहीं है, तो ये 90 से बड़ा है ना, ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है तो इसमें मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो माइनस क्या करना है और प्लस क्या करना है, माइनस जब 90 से छोटा एंगल हो तो माइनस होगा ना, 90 से कम करना है, और ये 90 से बड़ा करना है तो प्लस करना पड़ेगा। वो क्या माइनस और प्लस करना है, वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो चलो ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसे आ जाएंगे ना, यही एंगल बी को छोटा करेंगे तो अक्यूट बन गया, यहाँ पे उसको बड़ा किया तो ऑब्ट्यूज, 90 से ज्यादा हो गया। अगर मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है ए से, देखो ए से परपेंडिकुलर शुरू हो रहा है, अगर यहाँ पे भी मुझे डालना है तो ऐसे आएगा, उसको नाम दे दिया एडी। और यहाँ पे अगर मुझे ए से परपेंडिकुलर शुरू करवाना है, देखो ना यहाँ पे ए से परपेंडिकुलर था राइट, यहां से अगर ए से शुरू करवाना है ऐसे तो नहीं आएगा ना, 90 नहीं हो सकता, यहाँ पे इधर आएगा 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, बाहर आता है तो यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ऐसे करके यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल यूज करके आपको खेलना है, किसके साथ खेलना है, ये वाले एंगल के साथ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी ये बी से ही खेल रहे थे, बी यहाँ पे 90 था, यहाँ पे बी क्या है, अक्यूट एंगल है, 90 से कम है, यहाँ पे बी ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो लिख दो नीचे। तो अब ये तो हमको आता है पाइथागोरस थ्योरम से, अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये दो जगह यूज करेंगे। अक्यूट है, 90 से कम है तो कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा, माइनस होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो कौन सा एंगल लिया था आपने, बी लिया था ना। अब ट्राइंगल की साइड्स कौन सी है, ए सी ए बी बी सी, तो ये बी लिया था और ये परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे है, ये परपेंडिकुलर बी सी पे है ना, तो बी सी तो आएगा ही। फिर जो एंगल लिया था बी, वहां से लेके परपेंडिकुलर जहां तक है वहां तक जाएंगे बी डी, आया समझ में। देखो यहां पे ये तो पाइथागोरस थ्योरम में लिखा है, देखो एंगल बी है तो उसके सामने वाला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तीनों साइड ये देखो ए सी ए बी बी सी, एक साइड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन ये 90 नहीं था,
तो पाइथागोरस थ्योरम बुरा मान जाएगा ना, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 90 से कम था। कैसे माइनस करेंगे? ये वाले एंगल के लिए लिख रहे थे ना हम लोग, इसके सामने था ना एसी, तो यहां से अब देख लो कौन सी साइड है परपेंडिकुलर के यहाँ पे, बीसी, तो बीसी लिख दिया। और यहां से यही एंगल से परपेंडिकुलर तक जो लेंथ है वो दोनों यहां से, ये देखो बीसी और बीडी, आया समझ में? ये सेम है ना, ये सेम मैं आपको एंगल सी के लिए भी लिख के बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। अभी सिर्फ देख लो, अभी यहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मुझे पता है डिफरेंस क्या है, खाली प्लस आने वाला है। प्लस क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल बी के लिए लिखा था ना, तो एंगल बी से साइड कौन सी है देखो, परपेंडिकुलर के साथ बीसी, यही है ना, देखो यही है ना परपेंडिकुलर एक्सटेंड, तो परपेंडिकुलर के साथ साइड है बीसी, तो यहां पे आ जाएगा बीसी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर तक, ये बी से लेके परपेंडिकुलर तक क्या है, बीडी, तो यहां पे आ जाएगा बीडी। बस अभी ये सेम मैं आपको एंगल सी के लिए भी लिख के बताता हूं, देख लो एंगल सी के लिए, ये परपेंडिकुलर इग्नोर करो, एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ऑपोजिट है ए बी, तो मैं बोलूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दो साइड कौन सी है बाकी, देख लो यहाँ पे एंगल सी के ऑपोजिट ये था, तो दोनों साइड ये बची ना ए सी और बी सी, तो मैं बोलूंगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन ये पूरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये इसको मत देखो, ये है ही नहीं ऐसे समझ लो अभी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो एंगल सी के सामने मैंने लिखा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो बची ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल से छोटा है, देखो अक्यूट है ये भी, 90 से कम है, तो आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बताओ, एंगल सी है ना, सी से लेके जो साइड परपेंडिकुलर के साथ जा रहा है देखो कौन सा है, बी सी, सो सी बी भी बोल सकते हो आपको बोलना है तो, ठीक है सी बी, एंड जो एंगल है वहां से लेके परपेंडिकुलर तक सी डी, तो आएगा इंटू सी डी। यहां पे देखो क्या था, यहां पे बी एंगल कर रहे थे ना, तो हम लोग बी से लेके जो परपेंडिकुलर को होगा ना, जो साइड परपेंडिकुलर होगा, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाली साइड, तो बी सी, और जो एंगल है वहां से लेके परपेंडिकुलर था तो बी डी। सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ, ये सी से लेके यहां तक लेना है सी बी, और सी से लेके परपेंडिकुलर तक सी डी, खत्म, बस इतना ही है। थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा मत सोचना इजी है, एक बार देखेंगे आ जाएगा, नहीं आएगा, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत कंफ्यूजन होगा, बार बार देखेंगे कौन सा साइड कैसे लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक तो साइड आने ही वाला है, देखो बी सी आ रहा है यहाँ पे, और एक दूसरा क्या आएगा, जो भी एंगल लिया है वहां से लेके परपेंडिकुलर तक, ओके। चलो भैया रिजल्ट यूज करके थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही इजी होने वाला है रिजल्ट यूज करके। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 2.28, ये वाला फिगर, PS इज द मीडियन, ये PS अगर मीडियन है मतलब S मिड पॉइंट है, ठीक है, ट्रायंगल PQR बोला है, मतलब ये मत देखो खाली ट्रायंगल PQR देखो, उसमें PS अगर मीडियन है मतलब S जो है वो ये वाले साइड का मिड पॉइंट है QR का, तो अगर S QR का मिड पॉइंट है तो ये वाला टुकड़ा QS और SR इक्वल होगा, और वो लोग क्या होंगे, QR का हाफ होगा, ये पूरे साइड का ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा हाफ हाफ होगा ना, तो अगर चाहिए तो यहां पे कहीं पे रिजल्ट लिख सकते हो, ओके। पीटी परपेंडिकुलर QR, ये दिया हुआ है पीटी परपेंडिकुलर QR, प्रूव दैट, ये कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है यहां पे। अब यहां पे देख लो, इधर प्लस और दो साइड्स का प्रोडक्ट आ रहा है, इधर माइनस और दो साइड्स का प्रोडक्ट आ रहा है, आपको पता है प्लस कब आता है, जब ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तब, माइनस कब आता है, जब अक्यूट एंगल लेंगे तब, अक्यूट एंगल 90 से कम होता है, 90 से कम करना मतलब माइनस करना, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होता है मतलब 90 से प्लस करना, है ना, तो ये वाले के लिए आपको पता है ऑब्ट्यूज यूज होगा, ये वाले के लिए आपको पता है अक्यूट यूज होगा। अब इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स है, देखो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला है, एक ट्राइंगल मैं ये भी ले सकता हूं, है ना, तो बहुत सारे, तो यहाँ पे मैंने तीन बना दिए हैं ट्राइंगल, देख लो एक बार इसको, ओके, मैंने क्या क्या ले लिया है यहाँ पे, मैंने ले लिया पी क्यू आर, फिर मैंने ले लिया पी एस आर, देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, और फिर मैंने ले लिया पी क्यू एस, ठीक है। अब इसमें एंगल कौन सा लेना हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम लोग ऑब्ट्यूज का सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्ट्यूज तो एक ही है,
ये वाला दिख रहा है यहाँ पे PS, ये वाला मैंने डॉटेड बनाया ताकि आपको समझे कि ये हमने अभी रिजल्ट यूज किया था। ये वाला एंगल क्यों ले रहे हैं, बिकॉज देखो रिजल्ट क्या है, पी आर स्क्वायर, एस के सामने कौन है भाई, पी आर, दिख रहा है पी आर स्क्वायर आएगा ना अगर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो हम लोग ये पी एस आर में अप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो ये जो ट्राइंगल है पी एस आर, इसमें ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल है और 90 डिग्री यहां पे बन रहा है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहां पे बन रहा है। अब ये सबको इग्नोर कर रहे हैं, सबको देखना ही नहीं, हटा दो क्या, कंफ्यूजन हो रहा है, चलो हटा देते हैं उसको। ये देख लो यहाँ पे साइड वाला पार्ट हटा दिया, ये क्या था, ये था अपना पी और ये था अपना टी ना, पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर था, करेक्ट। अब देख लो एंगल एस एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं इसके सामने वाली जो साइड है पी आर स्क्वायर इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पी एस आर ना, देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूस है, ये वाले को देखना ही मत, ये वाला हमने क्यों किया है, ये 90 डिग्री है इसलिए ट्रायंगल हमने पी एस आर ही लिया है, तो पी एस आर में ये वाली साइड ऑपोजिट है, बाकी कौन सी दो साइड बची, एक बची पी एस और एक बची ये आर एस, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, लेकिन ये 90 थोड़ी ना, 90 होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, तो यहां पे क्या आएगा प्लस, ओके हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, एक पार्ट हो गया ये नहीं है, पर उसके जगह हमारे पास कुछ कचरा आने वाला है। अब ये वाला एंगल लिया है ना प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय ये, इधर कौन सी साइड है ट्राइंगल की, एस आर, तो मैं लिखूंगा एस आर मतलब आर एस ना, सेम होता है, मल्टीप्लाइड बाय यहां से परपेंडिकुलर तक जाऊंगा मतलब एस टी, ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। अब ये रफ में करा रहा हूं, फेयर में कराऊंगा इसको, समझ में आया क्या किया मैंने, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल है, उसके सामने क्या है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स कौन सी है पी एस एंड आर एस, तो पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, लेकिन ये तो 90 डिग्री होगा तब पाइथागोरस लगता है, यहाँ पे 90 नहीं है, ये ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस 90 से ज्यादा होता है, इसलिए प्लस टू टाइम्स एंगल कौन सा लिया था एस, तो एस से लेके साइड है एस आर मतलब आर एस और एस टी, ओके। अभी आपको यहाँ पे ये देखो क्यू आर इंटू एस टी क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्ट था वो फिर से लेके आऊ, तो अब आपको क्या करना है, आपको चीजें चेंज करनी है, आपको आर एस स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, ये देखो क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर चाहिए, आर एस क्या है, आर एस पूरे क्यू आर का हाफ है ना, क्योंकि एस तो मिड पॉइंट है, एस क्यू मिड पॉइंट है, बिकॉज पी एस तो मीडियन है, अगर पी एस मीडियन है तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो आर एस है ये क्यू आर का हाफ होगा, क्यू आर का हाफ मतलब क्यू आर अपॉन टू, तो ये आर एस के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पी एस स्क्वायर प्लस इसके जगह पे लिख दूंगा क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, ये इसके जगह पे लिखा है, और यहाँ पे देखो क्यू आर इंटू एस टी चाहिए, मेरे पास एस टी है बट आर एस तो नहीं है, बट आर एस क्या था क्यू आर अपॉन टू, तो वहां पे भी मैंने क्या किया प्लस टू इंटू आर एस के जगह पे लिख दिया क्यू आर अपॉन टू इंटू एस टी, टू टू कट हो गया, क्या आ गया देखो क्यू आर इंटू एस टी आ गया ना, वही तो चाहिए था, क्यू आर इंटू एस टी पहले लिख दिया इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस, देखो इसको पहले लिखा है यहाँ पे और इसको बाद में लिख दिया क्योंकि टू प्रूफ में वैसा दिया है ना, प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, खत्म, प्रूफ हो गया, तीन चार लाइन में प्रूफ खत्म हो गया, दिख रहा है रफ है इसीलिए, फेयर में थोड़ा लंबा होगा लेकिन है इजी, बट आपको इसमें ट्रायंगल समझना बहुत जरूरी है। डन, सेकेंड वाला भी रफ में करा दूं पहले, फिर फेयर देखते हैं कि इसका फेयर देखना है, पहले रफ देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि बहुत इजी है, ठीक है, चलो सेकेंड वाला देखते हैं कैसे आएगा। सेकेंड वाले में प्रूफ क्या करना है, देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर ऐसे आ रहा है, फिर कुछ कचरा आ रहा है, ठीक है, पी क्यू मतलब ये वाला साइड, इसके ऑपोजिट ये वाला छोटू अक्यूट एंगल है और ये भी छोटा वाला अक्यूट एंगल है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये जो ट्राइंगल मैंने किया है वो वाला लेंगे कि ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इधर भी तो ये वाला अक्यूट है ना, अगर मैं ये वाला लेता हूं तो देखो सामने पी क्यू है तो आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल टू में क्या आएगा
जो बाकी दो साइड्स है लाल वाले ट्रायंगल की, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। मुझे पी आर क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे पी एस चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा। तो ये वाले ट्रायंगल में क्या होगा, देखो ये वाला क्यू ट्रायंगल, उसके सामने कौन है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लाल वाले ट्रायंगल की साइड्स कौन है, पी एस और क्यू एस है ना बाकी दो, तो आएगा पी एस स्क्वायर प्लस, देखो पी एस स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाले ट्रायंगल में मेरा फायदा हो रहा है दोनों साइड, इसलिए मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल में हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, हम लोग लेंगे ये वाला एंगल, क्या आएगा ये वाला एंगल में, इसके सामने ये मत देखना है, तो परपेंडिकुलर ये है, देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, दो साइड कौन से बचे, इसके सामने पी क्यू ले लिया, तो बचा कौन, पी एस और क्यू एस, तो आएगा इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। लेकिन ये तो तब आता ना जब ये 90 डिग्री होता है, ये 90 नहीं है, अक्यूट है, अक्यूट मतलब 90 से कम, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा माइनस, माइनस में क्या आएगा, माइनस टू इंटू जो भी एंगल है वो परपेंडिकुलर कौन सी साइड को है, देखो ये वाले साइड को ना क्यू एस, तो यहाँ पे आएगा टू इंटू क्यू एस मल्टीप्लाइड बाय जो भी एंगल है वहां से परपेंडिकुलर तक का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एस टी। ठीक है, तो देखो इसको देखो, ये प्रूव करना और ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो पी एस स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे क्यू एस क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू एस इज इक्वल टू द होल क्यू आर अपॉन टू, पी एस मीडियन है तो क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों इक्वल मतलब क्यू एस और एस आर दोनों आधा होगा किसका, पूरे क्यू आर का हाफ होगा ना, तो इसके जगह पे मैं डाल सकता हूँ क्यू आर अपॉन टू, तो ये आ जाएगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, क्यू एस की जगह पे क्यू आर अपॉन टू, यहाँ पे देखो क्यू आर चाहिए इधर क्यू एस है, एस टी एस टी तो है मेरे पास, तो क्यू एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, क्यू एस की जगह पे फिर से लिखूंगा क्यू आर अपॉन टू, वही किया था ना इधर भी, सेम चीज इधर किया मल्टीप्लाइड बाय एस टी, टू टू कट, फिर टू प्रू में देखो ये पहले लिखा है तो इसको आगे लिख दो, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट जो है वो इधर लिखते, बस खत्म, यही तो पूछा था, देख लो यहाँ पे यही है अपना टू प्रूफ, आया समझ में, काफी सिंपल है ये, लेकिन ये तीन चार बार देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल में ये साइड कैसे लिखते हैं, मैंने जैसे बोला वैसे लिखोगे ना तो प्रॉब्लम ये है। अभी देखते हैं इसको फेयर में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन 3.1 दिया है, गिवन पीएस इज द मीडियन, ये मीडियन है और पीटी परपेंडिकुलर क्यूआर, प्रूव क्या करना है, ये वाला पार्ट पीआर स्क्वायर चाहिए हम लोग को और यहाँ पे पीएस स्क्वायर चाहिए, हमको प्लस चाहिए इसलिए हम लोग ने ये वाला ट्राइंगल लिया जिसमें ये ऑब्ट्यूस एंगल है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया इन ट्राइंगल पीएसआर, एंगल पीएसआर इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एंड ये तो दिया था पीटी परपेंडिकुलर एस आर, ये पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर दिया है, लेकिन पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर को मैं पीटी परपेंडिकुलर एस आर भी लिख सकता हूं बिकॉज क्यू एस आर तीनों एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, तो परपेंडिकुलर एस आर को भी होगा, टी एस को भी होगा, क्यू टी को भी होगा, क्योंकि सब एक ही लाइन है, क्यू आर लिखूं के एस आर लिखूं सेम है। अब पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या आएगा, एंगल एस के सामने है पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू एंगल एस के सामने वाला हो गया, बाकी दो साइड कौन सी है, पी एस एंड आर एस, तो पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब ये अगर मैं लिखता ना खाली, ये कब होता, जब 90 डिग्री होता, यहाँ पे 90 नहीं है, 90 से ज्यादा है, तो प्लस कुछ कचरा आएगा, क्या आएगा, टू इंटू ये जो एंगल दिया है एस, वहां से कौन सी साइड शुरू हो रही है, देखो एस पी भी होती है और एस आर भी होती है, लेकिन हम कौन सी लेंगे, एस आर, बिकॉज ये परपेंडिकुलर जो है वो एस आर को है। ठीक है, तो आएगा एस आर, एंड एंगल से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस क्या है, एस टी। अब हम लोग को क्या यूज करना है, हम लोग को ये सब ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो क्यू आर इंटू एस टी है, मेरे पास एस आर इंटू एस टी है और क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर है, यहाँ पे आर एस स्क्वायर है, तो हमको दिख रहा है कि आर एस मतलब ये क्यू आर का हाफ होता है, तो वो लिख देंगे आर एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू, क्यों, बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये है ना क्वेश्चन, तो अगर एस मिड पॉइंट है तो ये पूरे का ये और ये आधा आधा हो जाएगा, फिर आर एस के जगह पे क्यू आर अपॉन टू लिख दिया,
और यहाँ पे भी आर एस के जगह पे क्यू आर अपॉन टू लिख दिया, फिर ये दोनों कट हो जाएगा, टू टू कट, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, फिर यहाँ पे देखो ये कट गया तो मिला क्यू आर इंटू एस टी, ये क्यू आर इंटू एस टी इधर लिखा, ये इधर लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में वैसा दिया हुआ, हेंस कॉमा प्रूव्ड, बस यही पूछा था। ओके देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं किया ना तो इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यही यूज करो, बिकॉज तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दिया है, बट बोला है कि यूज कर सकते हो। चलो कर लो कॉपी फटाफट से, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकेंड पार्ट देखते हैं अभी। सेकेंड पार्ट में दिया है PS is the median, PT perpendicular, QR same given है। प्रूव करना है PQ square equal to PS square plus something minus something। इसलिए हमको पता था minus आ रहा है मतलब acute। Angle कौन सा लेने का? देखो PQ square आ रहा है ना, मतलब इसके सामने और इसके सामने था, लेकिन हम ये क्यों ले रहे थे? Because इधर PS है, देखो यहाँ पे जब मैं PQ square लूंगा तो इसकी दूसरी दो साइड कौन सी है? PS square and QS square। मुझे PS square चाहिए तो मैं यही वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल का नाम है PSQ। तो इन ट्रायंगल PSQ, एंगल PSQ इज एन अक्यूट एंगल, और ये वाली जो लाइन है PT, ये QS को परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में PT परपेंडिकुलर QR दिया है, लेकिन QSR तीनों स्ट्रेट लाइन में है। अगर PT QR को परपेंडिकुलर है तो PT QS को भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों? बिकॉज ये तीनों एक ही लाइन पे है QSR। फिर देखो यहाँ पे इसके सामने कौन है? PQ स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड कौन है? PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। लेकिन ये खाली कब आता? जब ये 90 डिग्री होता है, 90 नहीं है, 90 से कम है, अक्यूट है, 90 से कम मतलब माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय कौन सी दो साइड्स आएगी? देखो एस से शुरू होने वाली दो साइड्स है, ये है क्यू एस और पी एस, लेकिन हमको परपेंडिकुलर वाले को परपेंडिकुलर चाहिए। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, इसको कौन है परपेंडिकुलर? क्यू एस, इसलिए मैं क्यू एस लिखूंगा। फिर यही वाले एंगल से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस एस टी, तो क्यू एस इंटू एस टी। फिर जब टू प्रूफ से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे क्यू आर इंटू एस टी है, यहाँ पे क्यू एस इंटू एस टी है, ये क्यू एस प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर है, लेकिन हमको पता है कि ये जो क्यू एस है इट इज नथिंग बट क्यू आर अपॉन टू, बिकॉज ये मिड पॉइंट है ना, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू एस आर एस दोनों क्या है? क्यू आर अपॉन टू। अगर आपको चाहिए यहाँ पे आर एस नहीं लिखना है मत लिखो, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्यू एस यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ओके तो ऐसे लिख दो QS equal to QR upon 2Q because S is the midpoint of QR. तो QS के जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे QS के जगह पे QR upon 2, QS के जगह पे QR upon 2. Substituting equation 2 in equation 1. फिर यहाँ पे 2 to cut, बचा QR into ST, ये तो ऐसे ही रखेंगे, बट टू प्रूव में ये पहले लिखा है तो यहाँ पे भी मैंने ये पहले लिखा और ये बाद में लिख दिया, यही प्रूव करना था, hence comma proved. बहुत ही इजीली हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, ये जो हमने किया उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ इतना होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना ये एप्लीकेशन से आया है, जब उसका प्रूफ करेंगे ना हम लोग एक लेक्चर में तब मैं आपको बताऊंगा। डन, तो ये सेकेंड भी खत्म है, यहाँ पे फटाफट से कॉपी करो, हो गया कॉपी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो यहां पे हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा है बिकॉज पहले मुझे आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिखाना पड़ा, फिर इसमें भी दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे, दोनों को सॉल्व किया है। लंबा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, ठीक है, पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको बाद में करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करना तीन चार बार एक क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर वन में कर दिया, अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर, ये वाला जो फिगर है, पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS, ये वाला एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है मतलब ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, PQRS 90 90 हो जाएगा सारे एंगल्स, और टी उसके बीच में कहीं पे है। प्रूव दैट टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू TP square plus TR square. Question में hint भी दिया हुआ है, as shown the figure, draw segment AB parallel SR. ये AB SR को parallel draw करना है, and ATB एक line में है, ऐसे construction करना है आपको, ठीक है? तो बहुत ही easy है ये question.
लेकिन जब इसको लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा होने वाला है, बिकॉज आपको दिख रहा है कितने सारे राइट एंगल ट्रायंगल है। टी एस स्क्वायर मतलब दिख रहा है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, टी क्यू दिख रहा है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, टीपी दिख रहा है टीपी मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, टी आर स्क्वायर मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। चार तो पाइथागोरस लग जाएंगे यहाँ पे, सिर्फ चार पाइथागोरस से काम नहीं होने वाला, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी होगा, रफ में कराऊंगा तो बहुत ईजी होने वाला है, बट जब इसको एक्चुअल में सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, हम करेंगे, इसलिए ऐसा मत सोचो कि डिफिकल्ट है, सिर्फ लेंदी है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन अप्लाई करना है। चलो अब देखो, ये ए बी आपने ऐसे ड्रॉ किया कि वो एस आर को पैरेलल है, क्या मैं बोल सकता हूँ पी क्यू और एस आर एक दूसरे को पैरेलल है? रेक्टेंगल के दो साइड जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, राइट? तो अगर ए बी इसको पैरेलल है तो इसको भी है, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पी क्यू और क्यू आर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है? तो ए बी भी इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, बिकॉज ए बी इसको पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर दोनों को होगा। वैसे ये पी एस जो है वो भी पी क्यू को परपेंडिकुलर रेक्टेंगल है, तो ये वाला लाइन भी परपेंडिकुलर होगा बिकॉज ये इसको पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये जो छोटू नीचे है ए बी आर एस, ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। सिमिलरली ये भी बन जाएगा एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा कि भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है ना तो देखो, अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो ये तीनों लाइन पैरेलल है तो समझ में आ गया, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, एफ बन रहा है, बन रहा है ना एफ। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज पैरेलल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये 90 तो ये भी 90। सिमिलरली जब मैं ये करूंगा तो ये 90 तो ये भी 90, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली उल्टा एफ बनाऊंगा तो ये 90 और ये 90 है ना, और यहाँ पे जब बनाऊंगा तो अगर ये 90 है तो ये भी 90। तो मतलब ये दोनों जो है वो छोटे छोटे रेक्टेंगल बन गए। अगर दोनों रेक्टेंगल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए एस इक्वल टू बी आर, बोल सकता हूँ, तो मुझे आ जाएगा ए एस इक्वल टू बी आर, और यहां मिल जाएगा ए पी इक्वल टू बी क्यू। क्यों कर रहे हैं पता ही है, देखो जब आप टी एस स्क्वायर लोगे तो आपको ए एस मिलने वाला है उसमें पाइथागोरस में, लेकिन आपको क्या चाहिए, जब आप टी आर स्क्वायर लोगे, देखो टी आर स्क्वायर, तो आपको बी आर स्क्वायर मिलने वाला है, तो आपको ए एस और बी आर के बीच में रिश्ता निकालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे रिश्ता है, वैसे ही ए पी और बी क्यू के बीच में भी रिश्ता निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब लगाते हैं पाइथागोरस, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, उसके लिए निकालना पड़ेगा टी एस स्क्वायर। टी एस स्क्वायर क्या होगा भाई, टी एस स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, करेक्ट? फिर पाइथागोरस लगाएंगे, क्या चाहिए, टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू मतलब अपना इधर है, क्या आएगा टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, आएगा ना, तो मैं उसको लिख देता हूँ टी बी की जगह बी टी लिखूँ क्या, बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ओके, बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे बोला है टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आना चाहिए ना, तो उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल के रख देते हैं, क्या आ जाएगा, टी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाला, टी पी स्क्वायर कहाँ पे आता है, देखो टी पी ये वाले ट्राइंगल है पार्ट में, तो टी पी स्क्वायर क्या आएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ सब जगह। फिर उसके साथ है टी आर स्क्वायर, तो टी आर स्क्वायर में पाइथागोरस लगाओ, टी आर स्क्वायर मतलब ये वाला ट्राइंगल बी टी आर, तो क्या आएगा, ये 90 है, टी आर स्क्वायर विल बी बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ओके। अभी आपको एल एच एस में क्या चाहिए, ये दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये है वो भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस ये भी उसमें आ जाएगा, है ना, दोनों ऐड हो गए ना, टी ए स्क्वायर की जगह पे टी ए स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, टी क्यू स्क्वायर की जगह पे टी क्यू स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे नहीं समझ में आता है तो कैसे करने का, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, देख लो टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी ए स्क्वायर की जगह टी ए स्क्वायर का वैल्यू, टी क्यू स्क्वायर की जगह पे टी क्यू स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या लाना है, आपको जबरदस्ती प्रूव करना है कि टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे देखो, टीपी स्क्वायर मतलब एपी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर ऑलरेडी है, अगर इसके साथ एपी स्क्वायर आ गया तो ये आ जाएगा और उसके जगह पे आप टीपी लिख सकते हैं। और टी आर स्क्वायर जी आपको, टी आर स्क्वायर में बीटी और बी आर है, बीटी आपके पास ऑलरेडी है, इधर बी आर आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। पर हमको पता है ए एस इज इक्वल टू बी आर, तो ए एस की जगह पे बी आर लिख सकता हूँ। हमको पता है बी क्यू और एपी इक्वल है, तो बी क्यू की जगह एपी लिख सकता हूँ। तो ये जो है क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा बी आर स्क्वायर प्लस एटी, तो एटी ही रहेगा, बी टी तो बी टी ही रहेगा, बी क्यू क्या बन जाएगा, बी क्यू बन जाएगा एपी स्क्वायर। ओके, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे एपी के साथ एटी चाहिए, तो पहले उन दोनों को साथ में लिख लो, एपी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस, ये मुझे बी आर और बी टी साथ में चाहिए, तो बी आर और बी टी को साथ में लिख दिया। ठीक है, यहां पे सिर्फ रीअरेंज किया है, चार ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं। अब ये एपी प्लस एटी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टीपी स्क्वायर। बी आर स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टी आर स्क्वायर। तो मुझे मिल जाएगा भाई इसके जगह पे टीपी स्क्वायर और इसके जगह पे टी आर स्क्वायर, टी एस प्लस टी क्यू वाला आ गया टीपी और टी आर। टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये ही प्रूव करना था, खत्म। रफ में इतना इजीली हो गया, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। क्या किया हमने, पहले प्रूव कर दिया कि छोटू छोटू जो है वो भी रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ए एस इक्वल टू बी आर एंड ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये तो आना ही है। फिर हमने ये चारों ट्राइंगल एक दो तीन चार में पाइथागोरस लगा दिया, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार पाइथागोरस। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिया टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, उसमें टी एस स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये दोनों यूज करके उसको चेंज किया, फिर देखा तो जो आया उसको रीअरेंज किया, तो ये प्लस ये आ रहा है, विच इज नथिंग बट टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, तो हमारा काम हो गया। ओके, अब ये इतना इजी दिख रहा है, यहाँ पे फेयर में देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे भाई साहब क्या कर दिया है, दो पेज का सोल्यूशन आने वाला है इसमें, बिकॉज ये हर एक चीज लिख के बताना पड़ेगा कि पाइथागोरस क्यों लगाया, 90 डिग्री इसलिए लगाया, ये रेक्टेंगल कैसे आया, ये ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, वो सब लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर कोई एक लाइन को ये दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो भी लाइन इसको पैरेलल होगी ना उसको भी ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाली लाइन इसको पैरेलल है तो इसको परपेंडिकुलर होगी, ये वाली लाइन इसको पैरेलल है तो इसको परपेंडिकुलर होगी। तो अगर 50 लाइन भी बना दिया ना इसको पैरेलल, वो हर एक लाइन इसको परपेंडिकुलर ही होगी, बिकॉज एक को परपेंडिकुलर तो सबको परपेंडिकुलर। ठीक है, वो यूज करके हम लोग ये सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं फेयर में कैसे आएगा। तो फेयर में ऐसे आएगा, पहले आप लिख देंगे गिवन टी इज अ पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, टू प्रूव ये वाला है कंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ड्रॉ ए बी पैरेलल एस आर सच दैट ए टी बी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में। प्रूफ कैसे शुरू करेंगे, पहले बोलेंगे पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल गिवन, तो उसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होगी। इसका रीजन नहीं लिखा, अगर रीजन लिखना है तो ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, ए बी पैरेलल एस आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। अगर फिगर देख देख के करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो ए बी पैरेलल एस आर कंस्ट्रक्शन में था, ये हमने रेक्टेंगल में से लिया, दिख रहा है ए बी भी एस आर को पैरेलल है, पी क्यू भी एस आर को पैरेलल है, मतलब ए बी और पी क्यू भी एक दूसरे को पैरेलल है ना, तो ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, ए बी एस आर पी क्यू फ्रॉम वन एंड टू, हम लोग को ये मिल जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए। अब ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, देख लो एक बार, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, क्यों, बिकॉज साइड ऑफ रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है ना, बट पी क्यू तो ए बी को पैरेलल है ना, तो अगर पी क्यू इन दोनों को परपेंडिकुलर है तो ए बी भी इन दोनों को परपेंडिकुलर ही होगा, क्यों, बिकॉज अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू पैरेलल लाइंस
इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ये रीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। क्या बोलता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है सिस्टम में, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन को ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल लाइन जो उसको थी उसको भी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ओके, तो मैं बोल सकता हूं पी क्यू पी एस को परपेंडिकुलर, पी क्यू क्यू आर को परपेंडिकुलर है, पी क्यू और ए बी एक दूसरे को पैरेलल है, तो ए बी भी पी एस को परपेंडिकुलर होगा, ए बी भी क्यू आर को परपेंडिकुलर होगा। डन। जैसे ये परपेंडिकुलर हुआ मुझे क्या मिल गया, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये तो पहले से 90 था, रेक्टेंगल था, तो ये जो छोटू है ए बी आर एस या जो भी क्वाड्रिलैटरल बन रहा है वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 हो गए ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रिलैटरल ए बी आर एस इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे, तो ए एस और बी आर एक दूसरे को इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर ये इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे ही हम लोग एपी और बीक्यू को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, बस ये पूरा वापस करके नहीं बताना पड़ेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एपी इक्वल टू बीक्यू, बस इतना लिख देना है, समझ में। तो हमारा जो मेन काम था क्वेश्चन में खत्म हो गया, ये इक्वल टू ये प्रूव कर दिया और ये इक्वल टू ये प्रूव कर दिया, बस। अब क्या करेंगे, चार पाइथागोरस लगाएंगे, 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल में, बिकॉज ये 90 डिग्री है ना, ये हमको पता है 90 डिग्री है, ए बी इसको परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया था, तो ये यूज करके हम लोग चारों में पाइथागोरस लगाएंगे। देखो यहाँ पे मेरे को पता है ए बी परपेंडिकुलर टू पी एस है एंड ए बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर भी है ना, इसको भी परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये 4 में हमने प्रूव किया था, तो फ्रॉम 4 ले लिया। इसका मतलब क्या, ये एस ए टी 90, फिर पी ए टी 90, आर बी टी 90 एंड क्यू बी टी भी 90 है, चारों एंगल 90 हो जाएंगे, बिकॉज ये है, ठीक है, और ये ए टी बी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये चारों 90 मैंने एक साथ क्यों लिखा, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। फिर एस ए टी जो है, एस ए टी में पाइथागोरस लगा दिया, टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर टी बी क्यू में लगा दिया, फिर पी ए टी में लगा दिया पाइथागोरस, फिर ये वाला जो ट्रायंगल है आर बी टी या टी बी आर जो भी उसको बोलो उसमें भी लगा दिया, चारों में पाइथागोरस लगाया। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए था टू प्रूव, में टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, इसलिए इक्वेशन 7 8 को एड कर दिया, तो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर आया, उसके जगह टी एस स्क्वायर की जगह लिखा ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी क्यू स्क्वायर जो पिंक है उसके जगह लिखा बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में टी पी स्क्वायर और टी आर स्क्वायर चाहिए। टीपी में मुझे पता है कि ए टी के साथ ए पी आता है, तो ए टी है मेरे पास लेकिन ए पी नहीं है, दिख रहा है ए पी कहीं पे भी नहीं है, बट मुझे पता है कि ए पी और बी क्यू इक्वल है, तो बी क्यू के जगह पे नेक्स्ट में मैं ए पी डाल दूंगा। सिमिलरली जब मुझे टी आर चाहिए तो उसमें बी टी और बी आर चाहिए, तो मेरे पास बी आर ऑलरेडी, यहाँ पे बी टी ऑलरेडी है, बी आर नहीं है, बट ए एस है, ए एस की जगह मैं बी आर डाल सकता हूँ, बिकॉज ए एस इज इक्वल टू बी आर एंड ए पी इक्वल टू बी क्यू, तो ये यूज करके मैंने उनको रिप्लेस कर दिया, ए एस की जगह बी आर लिख दिया और बी क्यू की जगह ए पी लिख दिया। फिर मुझे ए टी के साथ ए पी चाहिए तो ये दोनों को साथ में लिख लिया, बी आर के साथ बी टी चाहिए तो उसको इधर साथ में लिख लिया। वट इज ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज टी पी स्क्वायर, वट इज बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, इट इज टी आर स्क्वायर। कहाँ से आया, ये दोनों इक्वेशन यूज किया था फ्रॉम 9 एंड 10, यहाँ पे ए एस इक्वल टू बी आर एंड बी क्यू इक्वल टू ए पी कहाँ से आया, फ्रॉम 5 एंड 6, दिख रहा है, ये यूज कर लिया, बस यही तो प्रूफ करना था, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, हो गया प्रूफ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये पेज पे मैंने सिर्फ पाइथागोरस लगाए, चार ट्रायंगल बन रहे थे उसमें पाइथागोरस लगाया, और ये पेज पे क्या किया मैंने, ये पेज पे मैंने सिर्फ ये छोटू रेक्टेंगल है और ये छोटू रेक्टेंगल है प्रूव किया है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले प्रूव करो कि ये और ये एक रेक्टेंगल है, उससे पता चलेगा ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लगाएंगे ये चार में पाइथागोरस, 1 2 3 4, चार छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस लगा देंगे, और यहाँ पे जो प्रूव किया ना 5 और 6 ने,
वो यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। आया समझ में? चलो फटाफट से ये इसका फर्स्ट पेज है, कॉपी करो, पॉज कर करके आप कॉपी कर सकते हो। ये इसका सेकंड पेज है, आप जब लिखेंगे तो आपको दूसरी बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहां पे बनाया फिगर। ये हो गया आपको ओके। तो दोनों क्वेश्चन जो हमने आज किए, थर्ड और फिफ्थ, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, सिंपल थे लेकिन लेंथी थे। कर लिया कॉपी? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और फिफ्थ क्वेश्चन कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हो गया खत्म। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज का लेक्चर काफी लेंथी था, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोनों क्वेश्चन, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको करना ही है प्रैक्टिस, मिनिमम 3 से 4 बार एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में कोई आपको हर एक क्वेश्चन नहीं कराने वाला, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका प्रॉब्लम सेट को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video.